मूर्तिकारों के रोजगार को प्राथमिकता देकर राज्य सरकार ने इस बार प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी गणेश मूर्तियों पर बंदी नहीं लगाई है, बल्कि पीओपी की मूर्तियों का विसर्जन कृत्रिम तालाब में करना बंधनकारक कर दिया है। इसके लिए सभी महानगर पालिकाओं को कृत्रिम तालाब बनाने के आदेश दिए गए हैं, ऐसी घोषणा मंत्री दीपक केसरकर द्वारा विधान परिषद में दी गई। शेतकरी कामगार पार्टी के विधायक जयंत पाटिल द्वारा ध्यानाकर्षण के जरिए उठाए गए मुद्दे पर जवाब देते हुए मंत्री केसरकर ने बताया कि राज्य सरकार ने पीओपी मूर्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाने का निर्णय लिया है, क्योंकि पीओपी मूर्ति पर प्रतिबंध लगाने की वजह से मूर्ति तैयार करने वाले कारागिरों के व्यवसाय पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और उत्सव के माध्यम से प्रदेश में पीओपी मूर्तियों का 70 से 80 हजार करोड़ रुपए का व्यापार होता है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली प्रदूषण बोर्ड ने पीओपी से प्रदूषण नहीं होने का दावा किया है तथा दिल्ली सहित गुजरात व हैदराबाद में भी पीओपी से मूर्तियां बनाई जा रही है। हजारों करोड़ रुपए के कोयला घपला मामले में दिल्ली की विशेष अदालत ने आज पूर्व सांसद व मीडिया वैरान विजय दर्डा व उनके बेटे देवेंद्र दर्डा को 4 साल कैद की सजा सुनाई। न्यायालय ने विगत 13 जुलाई को दर्डा पिता पुत्र को इस घोटाले में कसूरवार माना था, वहीं आज सजा का ऐलान किया गया। दर्डा सहित अन्य को भी इस मामले में सजा सुनाई गई है। सीबीआई ने अदालत में कहा कि जेएलडी यवतमाल एनर्जी लिमिटेड को छत्तीसगढ़ के पूर्व फतेहपुर में कोयला खदान दी गई थी, यह एक षड्यंत्र का हिस्सा था, इसमें पात्रता मापदंडों के गलत अर्थ निकाले गए थे, साथ ही आवेदन में गलत दावे भी किए गए थे। सीबीआई ने बताया कोयला घोटाला मामले में आरोप सिद्ध होने का यह 13वां मामला है। कारावास की सजा सुनाने के साथ ही अदालत ने जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में सीबीआई ने 27 मार्च 2013 को दोषारोप पत्र दायर किया था और 10 साल तक चली सुनवाई के बाद इस मामले में फैसला आया है। आज सुबह मोर्शी पुलिस को गोरक्षकों के जरिए गुप्त सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की ओर से सफेद रंग का आयशर ट्रक गोवंश लादकर मोर्शी की ओर आ रहा है, जो आगे अमरावती की ओर जाएगा। यह सूचना मिलते ही मोर्शी पुलिस ने तुरंत ही मोर्शी के जयसम चौक पर नाकाबंदी करते हुए सफेद रंग के आयशर ट्रक को रुकवाया और ट्रक के चालक से पूछताछ करनी शुरू की। इस समय ट्रक के चालक ने अचानक ही अपना ट्रक रिवर्स लेकर पीछे खड़े बोलेरो वाहन को टक्कर मारी और उसके बाद ट्रक को आगे करते हुए एक अन्य वाहन को टक्कर मारते हुए वाहन चालक अपना ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया, जिसका बाद में मोर्शी से शिरखेड़ माउली जहांगीर व तिवसा ऐसे 4 थानों की पुलिस द्वारा पीछा किया गया और करीब 50 से 60 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद इस वाहन को तिवसा तहसील अंतर्गत सारसी व धनोरा के बीच पकड़ा गया, जहां पर यह ट्रक एक कच्चे रास्ते पर कीचड़ में फंस गया था। इस समय मौके का फायदा उठाते हुए ट्रक चालक व क्लीनर अपना वाहन छोड़कर मौके से भाग निकले। वहीं पुलिस ने इस आयशर ट्रक से करीब 30 गोवंश जानवरों को बरामद करते हुए उन्हें सुरक्षित मोजरी स्थित गोरक्षण संस्था में पहुंचाया। बीती रात चिखलदरा के पर्वतीय इलाके में हुई मूसलाधार बारिश के चलते चिखलदरा व घटांग मार्ग पर शाहपुर से अंधेरी के बीच पहाड़ी चट्टानें अपने स्थान से खिसक गई और लैंड स्लाइडिंग की वजह से चट्टानों का मलबा अपने स्थान से खिसक कर रास्ते पर आ गिरा। सौभाग्य से इस घटना के वक्त मौके से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, जिसके चलते दुर्घटना या जनहानि नहीं हुई। वहीं लैंड स्लाइडिंग की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने तुरंत हरकत में आकर 3 जेसीबी मशीनों को 35 से 40 मजदूरों को काम पर लगाते हुए रास्ते पर गिरे चट्टानों के मलबे को हटाने का काम शुरू हुआ, जिसके बाद आज दोपहर इस रास्ते को आवाजाही के लिहाज से शुरू किया गया। चिखलदरा में विगत लंबे समय से चल रही जल किल्लत की समस्या और आलाडो तालाब को जल संग्रह तालाब के तौर पर उपयोग में लाने हेतु किए जाने वाले सर्वेक्षण के आधार में लटके रहने को लेकर अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए जिले के पूर्व पालक मंत्री व पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख ने कहा कि राज्य की खोखे सरकार द्वारा अपने खोखेबाज विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में सैकड़ों करोड़ रुपयों की निधि खैरात की तरह बांटी जा रही है, लेकिन विदर्भ मराठवाड़ा क्षेत्र के एकमात्र हिल स्टेशन चिखलदरा पर्यटन स्थल में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए केवल 40 करोड़ रुपए की निधि को मंजूर नहीं किया जा रहा। ऐसे में राज्य सरकार से जाना चाहिए कि क्या चिखलदरा के विकास हेतु राज्य सरकार की 40 करोड़ रुपए देने की भी औकात नहीं है, या फिर पश्चिम विदर्भ क्षेत्र के विकास हेतु निधि देने की नियत नहीं है। इसके साथ ही सुनील देशमुख ने यह भी जानना चाहा कि क्या केवल मुंबई पुणे नवी मुंबई व औरंगाबाद जैसे महानगरों के विकास हेतु ही सिडको का गठन किया गया है। केंद्रीय भूतल एवं महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी आगामी शुक्रवार 28 जुलाई को अमरावती जिले के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। 28 जुलाई की सुबह 10 बजे केंद्रीय मंत्री गडकरी का सड़क मार्ग के जरिए आगमन होगा, जिसके पश्चात वे शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था के शताब्दी महोत्सव, नांदुरा बुजुर्ग स्थित गोकुलम गोरक्षण संस्था के गोवंश चिकित्सालय के उद्घाटन समारोह तथा मुधोड़कर पेट परिसर स्थित एक निजी समारोह में उपस्थित रहने के साथ ही पुराना बाईपास रोड स्थित MIDC परिसर में एक औद्योगिक इकाई का उद्घाटन करने के बाद देर शाम 6:30 बजे अमरावती से नागपुर के लिए सड़क मार्ग के जरिए प्रस्थान करेंगे। तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक यशोमती ठाकुर ने तिवसा तहसील में निम्नवर्धा प्रकल्प अंतर्गत धारवाड़ा व दुर्गवाड़ा निवासी 358 परिवारों के पुनर्वसन के साथ ही बंडली व शितवाड़ी गांव के प्रकल्पग्रस्तों का पुनर्वसन करने से संबंधित मामला उठाया और कहा कि इन सभी प्रकल्पग्रस्तों का जल्द से जल्द सही तरीके से पुनर्वसन किया जाना चाहिए। माझ्या मतदार संघामध्ये लोअर वर्धा
प्रकल्पाचा काही भाग त्या ठिकाणी येतो आणि काही वर्ष आधी त्याचं पुनर्वसन त्या ठिकाणी झालेलं आहे. पण अध्यक्ष महोदय, तिवसा मतदारसंघातील धारवाडा दुर्गवाडा येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या मूलभूत सोयी सुविधांचे पुनर्वसन विभागाअंतर्गत काही रस्ते, पाणी, वीज, समाज मंदिर, वैद्यकीय सुविधा, मूलभूत सुविधा करण्यात आलेला आहे, तरीही त्या ठिकाणी त्या सुविधा अपुऱ्या पडत आहेत. अध्यक्ष महोदय, वारंवार आम्ही या गोष्टीचा पाठपुरावा केलेला आहे. माझी या औचित्याच्या मुद्द्याच्या निमित्तानं सरकारला विनंती आहे की आपण या मुद्द्याची एक बैठक घ्यावी आणि लोअर वर्धा धरणाअंतर्गत कौंडण्यपूर ग्रामपंचायतमधील वणली, शिदवाडी या गावांचा प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन त्या ठिकाणी घ्यावे आणि जे पुनर्वसन धारवाडा दुर्गवाडा याचं झालेलं आहे त्याला दर्जेदार पुनर्वसन म्हणून त्याची पुन्हा एकदा नोंद घ्यावी आणि ज्या अपुऱ्या मागण्या राहिलेल्या, म्हणजे आम्ही सातत्यानं बैठका घेतल्या, मी पालकमंत्री असताना देखील तो प्रस्ताव आम्ही वर पाठवलेला आहे प्रिन्सिपल सेक्रेटरींना आणि आत्ताचे जे मंत्री आहेत त्यांना देखील आम्ही वारंवार त्याचे पत्र दिलेले आहेत आणि त्याची बैठक घेऊन दर्जेदार पुनर्वसन होणं अतिशय गरजेचं आहे. तर याची आपल्यामार्फत आपण देखील आश्वासन द्यावे आणि सभागृहानं देखील त्याची नोंद घ्यावी. अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के बाद विधायक बच्चू कड़ू ने पैसों के दम पर वोट खरीदने को लेकर खुद पर लग रहे आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उन पर आरोप लगाने वालों ने खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए. विधायक बच्चू कड़ू के मुताबिक अमरावती में कांग्रेस तीन गुटों में विभाजित है, जिसके तहत यशोमती ठाकुर गुट, बबलू देशमुख गुट व वीरेन जगताप गुट अलग अलग काम कर रहे हैं. ऐसे में उन्हें किसी के वोट खरीदने या किसी को जबरन अपनी ओर मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बल्कि सहकार पैनल के जिन संचालकों को तीनों गुटों की ओर से तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा था वे खुद ही उनकी दावेदारी के समर्थन में आ गए, जिसकी वजह से उन्होंने जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक का चुनाव जीता. जिला मध्यवर्ती बैंक के जवाब लहान लोकांनी गडबड केली नाही आहे. त्यांचे त्या जिल्ह्यात काँग्रेसचे तीन गट होते, एक यशोमतीताईचा गट होता, एक बबलू देशमुखचा गट होता आणि वीरेंद्र जगतापचा. या गटेनंच गेम केलेला आहे, म्हणून तुम्ही पैशानं झालेलं नाही आहे, तिरस्कारानं झालेला विजय माझा. त्यांनी म्हणाव काही असो पण माझं असं मत आहे, मला माहित आहे ना तीन मतं कोणते आले आणि कसे आले तर, आणि कोण पाठवले ते मला माहित आहे. त्याच्यानं ते पैशानं थोडे आले, ते हेव्या दाव्याच्या ह्याच्यातून भेटलेले आहे, लक्षात घ्या. बिलकुल करेक्ट, आम्ही बच्चू कडू उभा राहिला कार्यक्रम करेक्ट असतो. शासकीय ज्ञान विज्ञान संस्था की संचालक अंजलि देशमुख द्वारा आज अपने कार्यालय में बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि संस्था ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं और विगत अप्रैल माह में संस्था के शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों हुआ था, जिसका समापन समारोह आगामी 28 जुलाई को भोसले सभागृह में आयोजित किया जा रहा है. राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल की अध्यक्षता में आयोजित इस समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उपस्थित रहेंगे. शताब्दी वर्षाची सांगता कार्यक्रम माननीय नितीनजी गडकरी, रस्ते व दळणवळण मंत्री यांच्या शुभ हस्ते पार पडणार आहे. आणि ह्या सांगता कार्यक्रमाचा मुख्य हेतू म्हणजे की 1923 साली ब्रिटिश शासनामध्ये याची या महाविद्यालयाची स्थापना झालेली होती आणि बरोबर 100 वर्षांनी याच दिवशी आपल्याला तो पूर्ण म्हणजे 22-23 हे वर्ष संपवून आपल्याला शताब्दीचं सांगता कार्यक्रम करायचा आहे. आणि हा क्षण आम्हाला आमच्या हातून निसटू नये म्हणून आम्ही माननीय नितीनजी गडकरींना जेव्हा भेटायला गेलो तर त्यांना आम्ही 28 जुलै ही तारीख आम्ही मागितली तर त्यांनी आम्हाला संमती दिली आणि म्हणूनच आमच्यासाठी हा अत्यंत आनंदाचा क्षण आज आहे, कारण आम्ही याच नेमक्या याच दिवशी आम्हाला ते पूर्ण करता येणार आहे. कारण 28 जुलै 2023 रोजी 100 वर्ष पूर्ण शतकोत्तरीकडे आम्ही पदार्पण करतो आहे. नांदुरा बुजुर्ग स्थित गोकुलम गोरक्षण संस्था के पदाधिकारियों द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि आगामी शुक्रवार 28 जुलाई को सुबह 10 बजे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों संस्था के अत्याधुनिक पशु चिकित्सालय का लोकार्पण होने जा रहा है. इसके साथ ही इस कार्यक्रम में पशु मोबाइल एम्बुलेंस व कबूतर खाना का भी लोकार्पण मान्यवरों व गणमान्य अतिथियों के हाथों होगा.
जीवन विकास फाउंडेशन व दैनिक राजवाड़ा की ओर से बुलाई गई पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई कि विदर्भ क्षेत्र में पहली बार एक दिवसीय शाहू महाराज जयंती महोत्सव का आयोजन आगामी 30 जुलाई को आयोजित किया गया है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने के साथ ही होनहार विद्यार्थियों का सत्कार समारोह व शालेय साहित्य वितरण किया जाएगा। जे निराधार जे विद्यार्थी आहे, गरजू विद्यार्थी आहे, या गरजू विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्याचा वितरणाचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे। अमरावती विभागातील जेवढे ज्येष्ठ पत्रकार बंधू आहेत, या ज्येष्ठ पत्रकार मंडळीचा सुद्धा सत्कार ठेवण्यात आलेला आहे। आणि नॅशनल लेवलचे प्रबोधनकार यांचा संगीतमय व्याख्यानाचा कार्यक्रमसुद्धा ठेवण्यात आलेला आहे। दिव्यांगों की घरकुल योजना की निधि विगत 2 साल से खर्च नहीं करने वाली जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा की प्रखंड संचालक जीति देशमुख पर कार्रवाई करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर अपंग जनता दल के प्रतिनिधि मंडल ने आज जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिशान पंडा को ज्ञापन सौंपा। मणिपुर में घटित महिला अत्याचार की घटना को लेकर अमरावती की आंबेडकरी महिला कार्यकर्ताओं ने आज जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए मणिपुर में हो रहे महिला अत्याचार की घटनाओं को रोकने और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अमरावती में कथा प्रवचन हेतु पधारे युवा भागवताचार्य नरेश भाई राजगुरु ने मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए कहा कि हमारे चंद्रयान के वैज्ञानिकों द्वारा यान को चंद्रमा पर प्रस्थान करने से पूर्व की गई तिरुपति बालाजी व अन्य मंदिरों की दर्शन यात्रा अपने आप में बेहद सराहनीय है। इसकी आलोचना करने वालों से वे यही कहना चाहते हैं कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं और आचरण भी धर्म की पंक्ति में आता है। चांदनी चौक स्थित उर्दू एजुकेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष आसिफ हुसैन ने अपने साथियों और दोस्तों के साथ मिलकर हजरत मिस्किन शाह बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हुए देश में अच्छे हालात तथा अमन व शांति के लिए दुआ की। साथ ही बाबा के दरबार में फूलों की चादर भी पेश की। मानसून की पृष्ठभूमि पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी गांवों में पानी के नमूनों की जांच करते हुए आवश्यक सावधानी बरतने की सूचना दी जा रही है। बारिश के दिनों में भारी मात्रा में जल दूषित होता है। जिले में बारिश शुरू होते ही विगत जून माह में 1623 नमूनों की जांच की गई, जिसमें से ग्रामीण इलाकों के 23 और शहरी इलाकों के 73 नमूने दूषित पाए गए। अकोट के आसरा कॉलोनी में मंगलवार देर रात 5 से 6 सशस्त्र लुटेरों ने सुरेश मामा बुंडे के घर पर डाका डालकर काफी सारा माल लूटा। वहीं उनके पड़ोस के जयसवाल के घर में डाके का प्रयास विफल रहा। पुलिस आयुक्त द्वारा गठित CIU पथक तथा नागपुरी गेट के DB स्क्वाड के दल ने हैदरपुरा कब्रस्तान रोड व पठान चौक परिसर में चलने वाले जुआडों पर छापा मारकर 26 जुआरियों को रंगे हाथ पकड़ते हुए 83,150 रुपए का माल जब्त किया। गतरोज राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत MIDC परिसर स्थित महालक्ष्मी ऑयल मिल में काम करने के दौरान सरकी के बोरों का ढेर सरक जाने की वजह से 70 से 80 बोरों के नीचे दबकर किशोर राजन का नामक मजदूर की मौत हो गई थी। पश्चात किशोर राजन के परिजन उसका शव लेकर राजापेट पुलिस थाने पर धमके थे, जहां ऑयल मिल के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उसे तत्काल गिरफ्तार किए जाने की मांग की गई थी। इस समय राजापेट पुलिस स्टेशन की थानेदार सीमा दातलकर ने आजनकर के बेटे व अन्य परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया, जिसके बाद आजनकर के शव को हिंदू स्मशान भूमि ले आकर उस पर अंतिम संस्कार किए गए। वहीं इस दौरान महालक्ष्मी ऑयल मिल के मालिक द्वारा आजनकर परिवार को मुआवजा देने की तैयारी दर्शाई गई, जिसके चलते आजनकर परिवार ने मिल मालिक के खिलाफ दी गई अपनी शिकायत को वापस ले लिया। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत साहूबाग परिसर में शीतला माता मंदिर के निकट अभिषेक साहू ने परिसर में ही रहने वाले दीपक राइकवार के सिर पर तलवार मारकर उसे जान से मारने का प्रयास किया। यह वारदात 24 जुलाई को आधी रात के आसपास घटित हुई। बडनेरा पुलिस थाना अंतर्गत नई बस्ती बडनेरा के जयसम चौक स्थित शिवा भाई आशा भाई पटेल नामक तंबाकू बिक्री प्रतिष्ठान में बीती रात दीवार फोड़कर किसी अज्ञात व्यक्ति ने दुकान में रखे गोल्ड फ्लैग कंपनी के सिगरेट के 750 पैकेट चुरा लिए। चुराए गए माल का मूल्य 67,000 रुपये बताया गया है। खोला ब्रिगेड पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत खरकाड़ीपुरा के कुम्भारवाड़ा परिसर में शौचालय के निर्माण को लेकर हुए विवाद के चलते वैभव पत्रे नामक युवक ने अपने 8-10 साथीदारों के साथ मिलकर राजेंद्र पोलादे व उनकी पत्नी सहित बेटे के साथ मारपीट की। खोला ब्रिगेड पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया है। गोपालनगर परिसर में रहने वाली 21 वर्षीय विवाहिता के साथ साईनगर परिसर में रहने वाले संजय तिवारी ने छेड़खानी करते हुए गाली गलौज की और उसे देख लेने की धमकी दी। इस मामले में राजापेट पुलिस ने संजय तिवारी सहित एक महिला के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत बोडाली के भारत नगर परिसर में फ्रेजरपुरा पुलिस ने एक गावरानी हाथ भट्टी के अड्डे पर छापा मारकर 400 लीटर अवैध गावरानी शराब को जब्त करने के साथ ही जगह पर ही नष्ट कर दिया। साथ ही गावरानी शराब का व्यवसाय करने वाली महिला को अपनी हिरासत में लेकर आपराधिक मामला दर्ज किया। भातकुड़ी तहसील के उत्तमसरा गांव स्थित एक ही घर में एक साथ 10 हजार निकलने की घटना सामने आई है, जिससे परिसर में अच्छी खासी खलबली व्याप्त है। उत्तमसरा गांव निवासी बंडू मतालाने के घर से एक साथ 10 हजार निकलने की जानकारी वर्षा संस्था को मिली थी, जिसके बाद सभी अजगरों का रेस्क्यू किया गया।
आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।